यूएसबी का पोर्ट। अब ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं देखता हूँ चार्ज करके। तो ये देखिए, मैं अभी हीरो शोरूम अंदर जा रहा हूँ, मुझे आज टेस्ट राइड करना है ग्लैमर का। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कूटीज बाइक्स हैं। वो कौन सा देखते हैं आप? ये हमारे फाइनेंस के बंदे। ये शोरूम बहुत ही बड़ा है दोस्तों, ये डिब्रूगढ़ में सिचुएटेड है। हेलो दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ अभी ग्लैमर पे। दिस इज ग्लैमर बाइक, बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, स्मूथ एक्सेलरेशन एंड बहुत ही कंफर्टेबल है चलाने में। हैंड्स ऑन फीलिंग इज वेरी ग्रेट। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, इस बाइक की माइलेज बहुत ही अच्छी है। मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा आगे वापस शोरूम पहुंचने के बाद। वेल, मुझे चला के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 125 सीसी की सिंगल सिलेंडर इंजन है। हीरो ने ये बाइक को बिल्कुल वैसे ही लॉन्च किया जैसे पहले थी, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस बाइक को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि ये आपका साइलेंसर का ये जो पाइप है, इसमें आपको गार्ड दिया है ताकि आपका पैर बाइक चलाते वक्त इसमें आपको पैर ना जले। उसके अलावा इसका जो इंजन है, उसका जो लाइफ है वो काफ़ी अभी बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू हीरो। उसके अलावा आपको यहाँ पे FI इंजन मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। आपको पता होगा कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन क्या होता है एग्जैक्टली। पहले हमारा नॉब आता था ऑन ऑफ करने का पेट्रोल, लेकिन अभी इसको उन्होंने चेंज करके FI कर दिया है। अब आपको वो नॉब का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें एक सिस्टम है जिसके थ्रू डायरेक्टली इंजन जो है पेट्रोल को या फ्यूल को वो इंजेक्ट करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने ग्लैमर में डिस्क दिया हुआ है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। पहले ये ड्रम पे आता था, बाकी तो आपको सब कुछ सेम मिलेगा। वो यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है जो है चार्जिंग का। ये USB का पोर्ट है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। पहले बाइक को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद ये रहा आपका USB का पोर्ट। अब ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं देखता हूँ चार्ज करके। तो ये देखिए, ये चार्ज हो गया है, अरे ये चार्ज हो रहा है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल होल्डर अगर है तो बहुत ही आराम से आपका मोबाइल ऐसे पे चार्ज भी हो जाएगा और आपका बाइक भी चलता रहेगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ आपको एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे है जो हीरो ने ग्लैमर में दी है, और वो है इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसको उन्होंने डिजिटल कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल का इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे भी ये ऑन है, आप देख सकते हैं न्यूट्रल। उसके अलावा यहाँ पे साइड स्टैंड जो मैंने अभी बताया आपको, ये इंजन का है। यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पे मोड मिल जाता है जिसमें आप ट्रिप A ट्रिप B आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना चलाया है। और फीचर यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, वो है I3S, जो कि काफ़ी काम देता है जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो ये 10 सेकेंड राउंड के बाद ये इंजन को खुद ही बंद कर देता है,
इसमें इंजन के स्विच का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये सिस्टम के थ्रू आपका जो बाइक है वो 10 सेकंड के बाद बंद हो जाता है और उसके बाद फिर वो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो वापस। और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी और वो है E20 के साथ ये आती है, यानी आपको अभी जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं वो सब E20 कर दिए हैं, और इसीलिए आप अगर इस बाइक को अगर कहीं पे E20 वाला अगर आप फ्यूल भराते तो आप इसको इस बाइक में भी आप वो तेल भरा सकते हैं। एंड ये बाइक आता है आपका BS6 के साथ, तो विद डिमांड लोगों को अपग्रेडेड वर्जन का ज़रूरत था, लेकिन इस बाइक को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है दोस्तों। तो ये बाइक अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हिट है, और इसी के कारण से हीरो ने इस बाइक को फिर से रिलॉन्च किया है ग्लैमर को विद सेम मॉडल, लेकिन वो तमाम एडेड फीचर्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं